So today we are going to discuss about the layers of cell membrane. Two layers are lipids layer and protein layer. Last time थोड़ा हमने इसको lecture में discuss किया था. So इसी को continue करते हैं. Lipid layer of cell membrane. जो central layer होती है वो हमारे पास lipid की layer होती है. Bilayered in structure होती है. Bilayered in structure होती है और again इसकी जो हमारे पास characteristics feature होती है ना, ये हमारे पास fluid in nature होती है. Not a solid structure, fluid in nature ये हमारे पास होती है. So the portion of membrane move from one point to another point along the surface of cell. The material dissolved in lipid layer also move to all areas of the cell membrane. As usually simple सी बात है कि वो fluid in nature है, वो एक point से दूसरे point तक पूरी spread हुई होती. तो जो उसके अंदर material भी मौजूद होगा वो भी cell membrane के पूरे surface area में जो है move कर रहा होगा. Major lipids हमारे पास कौन सी हैं? Phospholipid और cholesterol. जो फॉस्फोलिपिड्स होती है ना, बेसिकली हमारे पास ये वो लिपिड सब्सटेंस हैं डेट कंटेन अ फॉस्फोरियस एंड फैटी एसिड्स. मेन फॉस्फोलिपिड्स जो हम इसमें पाए जाते हैं, जो लिपिड लेयर में प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, वो हैं जैसे अमाइनो फॉस्फोलिपिड्स, फिंगोमाइलन्स एंड सो ऑन. ये सारे हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो लिखे हुए हैं, जो हमारे पास लिपिड की लेयर में पाए जाते हैं. अब जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल होता है ना, ये हमारे पास टू लेयर्स में अरेंज होता है. इसको हम रिजेंबल कर लेते हैं हेडेड पिन शेप से, क्योंकि इसका जो आउटर पार्ट होता है फॉस्फोलिपिड्स का वो हेड पोर्शन होता है और जो इनर पार्ट होता है वो हमारे पास होता है टेल पोर्शन. हेड पोर्शन जो हमारे पास होता है इसका, वो हमारे पास पोलर एंड में पाया जाता है. हेड पोर्शन हमारे पास पोलर एंड का होता है और इजिली इसको जो है ना, ये वाटर में सोल्यूबल होता है. दैट्स वाई हम इसको हाइड्रोफिलिक भी कहते हैं, क्योंकि इसकी वाटर के साथ जो अफिनिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. टेल पोर्शन जो होता है वो हमारे पास नॉन पोलर एंड होता है. सो अगर वो नॉन पोलर एंड है तो डेफिनेटली सी बात है वो वाटर में इनसोल्यूबल है. दैट्स वाई हम इसको हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं, क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के से रिपेल हो जाता है. टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड इस तरह से हमारे पास अरेंज हुई होती है कि जो हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है ना वो मीट करी होती हैं एक दूसरे से. इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे हाइड्रोफोबिक टेल्स जो है ना हमारे पास इस तरह से मीट कर रही हैं, और जो हमारे पास हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड को फेस कर रहे होंगे, और ये जो हाइड्रोफोबिक प्रोटीन्स होती हैं, ये पोर्शन होता है, ये हमारे पास इंट्रा सेलुलर फ्लूड को फेस करते हैं. टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट द हाइड्रोफोबिक टेल पोर्शन मीट इन अ सेंटर ऑफ द मेम्ब्रेन एंड हाइड्रोफिलिक हेड पोर्शन ऑफ आउटर लेयर फेस द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड एंड दोज ऑफ द इनर लेयर फेस द इंट्रा सेलुलर फ्लूड लाइक साइटोप्लाज्म. सो अब हम अगर थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल का बेसिकली जो मेन पर्पस होता है ना, उसने हमारे ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ना, इनको लाइक पैक करके रखना होता है, इनको अरेंज करना होता है. मतलब बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, ये हमारे पास अरेंजमेंट में है, उसके स्ट्रक्चर मेंटेनिंग में हमारे पास यूजफुल होता है. कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आर अरेंज इन बिटवीन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स. फॉस्फोलिपिड्स आर सॉफ्ट एंड फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास सॉफ्ट और ऑयली स्ट्रक्चर होता है. सो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, उसे हेल्प करता है पैक करने में उस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के साथ. सो कोलेस्ट्रॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी ऑफ द लिपिड लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. अब हमारे पास जो लिपिड लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन में, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? लिपिड लेयर जो होती है ना सेल मेम्ब्रेन में, ये हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कि इसने सिर्फ अलाउ करना है फैट सोल्यूबल सब्सटेंस, जैसे कि फैट सोल्यूबल सब्सटेंस हमारे पास होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल कैन पास थ्रू दिस लिपिड लेयर. वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके अंदर से गुजर नहीं सकते हैं. देन वी हैव द प्रोटीन लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन. प्रोटीन लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर होती है. हम इसको इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर भी कहते हैं. बेसिकली इसने हमारी जो लिपिड लेयर होती है उसको कवर किया होता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है. मोस्टली जो प्रोटीन इसमें पाई जाती है वो ग्लाइकोप्रोटीन होती है. अगर हम प्रोटीन की क्लासिफिकेशन देख लें तो हमारे पास टू टाइप ऑफ प्रोटीन होती है. इंटीग्रल प्रोटीन जिसे हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन जिसे हम पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं. इंटीग्रल प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन को हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, क्योंकि लाइक ये समझ लें कि इसके अंदर से एक साइड से दूसरे साइड में हमारे पास इस सेल की, सेल मेम्ब्रेन की इतनी थिकनेस इसकी कवर हुई होती है कि ये टाइटली बाउंड होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन के साथ.
हमारी सेल मेम्ब्रेन के साथ ये टाइटली जो है ना बाउंड हुई होती है इंटीग्रल प्रोटीन, ये मतलब कि इजीली डिसोसिएट नहीं कर सकती है। ये एग्जांपल है हमारे पास सेल एडिजन प्रोटीन, सेल जंक्शन प्रोटीन, सेल कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम करती है ना, मतलब मूवमेंट के लिए, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। चाइनल प्रोटीन, सम हॉर्मोन्स, रिसेप्टर, एंटीजेंस एंड सम एंजाइम्स। ऑन द अदर हैंड अगर हम देख लेते हैं तो हमारे पास सेकेंड जो प्रोटीन की टाइप है वो है पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल प्रोटीन्स को हम पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं बिकॉज ये हमारे पास पार्शियली इम्बेंडेड होती है इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन के साथ, मतलब कि ये हमारी सेल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर सकती है, ये हमारे पास इतनी लाइक ये हमारे पास लूजली बाउंड होती है, लूजली बाउंड होती इंटीग्रल प्रोटीन के साथ या फिर ये लिपिड लेयर के साथ लूजली बाउंड होगी, मतलब कि ये हमारे पास इजीली डिसोसिएट हो सकती है। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है प्रोटीन्स ऑफ साइटोस्केलेटन, सम कैरियर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स एंड सम एंजाइम। सो आज इतना ही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ प्रोटीन, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन और इसके फर्दर साइटोप्लाज्म वगैरह स्ट्रक्चर्स को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।